आज की इस वीडियो आप लोग को एक जबरदस्त ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाने वाला हूं, जिसमें कि आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा सकते कुछ इस तरह से, वो भी काफी सिंपल से स्टेप में। कैसे करना है जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। व्हाट्स पब्लिक, कैसे हैं आप सभी। अब ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट मैंने काफी सारे फुटेज में देखा, पहले काफी सारे लोगों को देखा है इसको यूज करते हुए, तो मैंने सोचा ये चीज़ क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए कैसे इसको बनाया जाता है। अब ये चीज़ है काफ़ी सिंपल बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में, ये ट्रांजिशन जो है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बना सकते हो फ़ोन में, पीसी में, दोनों में, काफ़ी सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या करना है, कैसे आपको शूट करना है और इसके बाद कैसे इसको एडिट करना है, ठीक है। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। जी हाँ, इसको एडिट करने से पहले इसके सूट पे आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। तो आपको सूट कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको पहले यहाँ पे समझाता हूँ, फिर आप एडिटिंग को स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक फ्रेम सेट कर लेना, जिसमें कि आप स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट रहता है वो बोलोगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा फ्रेम, इसमें मैंने वो वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट एक्चुअली, वो बोल ले, ठीक है। अब ये बोलने के बाद आपका आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आपके अपने पीसी में, मोबाइल में, कहीं पे भी इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है, ले जाना है। अब आप जैसे कि मैंने इसमें वीडियो एडिटर खोल रखा था, उसमें से इसको ट्रांजिशन किया हूँ, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में से इसका ट्रांजिशन को निकालते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पीसी पे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, ठीक। अब इस वीडियो का जो लास्ट फ्रेम होगा, मतलब वो जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा उसका जो लास्ट फ्रेम होगा, उस पे आपको चले जाना है, ठीक। और कुछ इस तरह से आपको एक और वीडियो शूट करना है, वो अपने मोबाइल से कर सकते हो ऐसे करते हुए, ठीक है, व्लॉगिंग टाइप में। तो इस तरह से आपको कुछ वीडियो को पहले शूट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी है बट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से आपको बन जाएगा ये सारा चीज़, ठीक है। तो हमारे पास आ गया दो फुटेज और अब हमें इन दोनों को मर्ज करने की जरूरत है और फिर देखते हैं कैसा इफेक्ट निकल के आता है, ठीक है। सो अभी हम बढ़ते हैं एडिटिंग के तरफ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एडिट करके रखा हुआ है, इसको हम हटाते हैं, न्यू सिक्वेंस लेते हैं एंड इसमें हम क्रिएट करते हैं एक आराम से, ठीक। और ये है नया प्रोजेक्ट, ठीक। अब मैं पहले बता दूँ ये चीज़ आप फ़ोन से भी कर सकते हो ऑब्वियसली, तो उसमें ज़्यादा, उसमें भी सेम ही प्रोसेस रहने वाला, ठीक। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मेरा एक ये फुटेज है और एक ये फुटेज है, ठीक है। तो दोनों फुटेज को हम इम्पोर्ट पहले कर लेंगे। तो अब हम इसमें एक चीज़ देख लेंगे कि हमारा वीडियो जो है कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पर। एक स्क्रीन से मैंने यहाँ बोला और यहाँ पे रुक गया हूँ, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जहाँ पे रुका हुआ है, इसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगा, ठीक है। कंट्रोल के से ये कट हो जाएगा, कट कर ले, आगे का पार्ट मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे जो जहाँ से स्टार्टिंग होगा वहाँ से कट कर दिया मैंने, ये रहा कट, और मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला वीडियो। अब इसमें हम डालते हैं दूसरा वीडियो, तो दूसरा वीडियो ये होगा शायद। तो ये है मेरा दूसरा वीडियो, जिसमें कि आप देख सकते हो कुछ ये, कुछ इस तरह से मैंने रिकॉर्ड करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐसे मिक्स करना है कि दोनों लगना चाहिए, ये फ़ोन से निकला है, इससे निकला, ठीक है, समझ रहे हो बात को। देखो प्ले करते हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब अभी लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मेन फुटेज काट लेता हूँ कि कहाँ से इसका स्टार्ट होना चाहिए। देखो मैं स्टार्ट यहीं से कर देता हूं, जहां से मोशन स्टार्ट हो गया यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूं, इसको पीछे वाला पार्ट को काट दूंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आया हूं और यहां पे मैं इसको यहां पे कर दूंगा, ठीक। अब ये जो पीछे वाला फ्रेम है वो, उससे आपको इसको मैच करना है ताकि लगे कि ये पीसी के, ये जो स्क्रीन डायरेक्ट पीसी में आके निकला है, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो कैसा ट्रिक है, ठीक। सबसे पहले इसको जूम करो और इसका जो पहला फ्रेम होगा उस पर चले आना, सेकेंड वीडियो का पहला फ्रेम, उसमें हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल पे और इसको भी हम फुल स्क्रीन करने की कोशिश करेंगे, मतलब जितना हो सके, ठीक। मैं थोड़ा सा स्केल बढ़ाता हूँ इसका, तो ये अब कुछ इस तरह से देखने को लग गया, ठीक है। बट थोड़ा सा अभी भी इसको प्ले करके देखते हैं, कई हद तक ठीक लग रहा है, मतलब एकदम से, मतलब फील आ रहा है कि हाँ सही है ये। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इस तरह से कर दिया, अब मैं थोड़ा सा इसको रिसेट भी करूँगा। देखो की फ्रेम यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे
और यहाँ पे मैं की फ्रेम मान लो एक लगा देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको छेड़ किया, जिसको छेड़ा था मैंने, इसको पोजीशन को और स्केल को, इसको मैं रिसेट कर दूँगा एंड बस हो गया लगभग मैं। हाँ, अब क्रॉप हट गया इससे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अभी आपको देखने को मिल रहा है। इसको और भी स्मूथ किया जा सकता है, चलो वो भी मैं आपको और स्मूथ करके देखूँ। फुल जूम करो और ये आपके इस वीडियो के लास्ट पोजीशन पे और एक फ्रेम पीछे आ जाओ, ठीक। राइट क्लिक करो एंड आपको ऐड फ्रेम होल्ड पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि ये आपका एक पिक्चर यहाँ पे ला के दे देगा, ये एक पिक्चर आ गया, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है ये सिर्फ, उसको मैं अगर हाइड करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये पिक्चर एक रुक गया, स्क्रीनशॉट देखो रुक गया है ना। ये इस तरह से आपको पहले करना है एंड इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूँगा इतना। इसको आपको यहाँ पे आपको जाना है इसके ऊपर और इसको मैं इनेबल करूँगा। इसको आपको क्या करना है, जाएंगे यहाँ पे ओपेसिटी पे और इसका फ्रेम, ये जो की फ्रेम उसको भी ऑन कर देना। थोड़ा सा हम इसका ओपेसिटी कम करते हैं और दोनों को मैच करने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है। चलो मैच करते हैं, देखो लगभग में यहाँ पे हल्का सा मैच हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और इसका स्टार्टिंग में एक्चुअली ओपेसिटी एकदम जीरो रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे इतना पे और इसका ओपेसिटी हम बढ़ा देते हैं, रिसेट कर दिया और इसको थोड़ा सा कम कर दो इतना पे, ठीक। अब आप प्ले करके देखो, मैं धीरे धीरे प्ले करूँगा, ठीक है। फ्रेम बाय फ्रेम जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये फ्रेम बाय फ्रेम देखो एकदम स्मूथ आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा है। देख रहे हो, एकदम से स्मूथ हो गया पूरा ट्रांजिशन, ठीक है। एकदम स्मूथ ट्रांजिशन हमारा हो चुका है, ठीक। इस तरह से आप देख सकते हो, काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो चुका है। इसको आप और भी बेटर बना सकते हो, ऑब्वियसली इसको प्रैक्टिस कर करके और भी बेटर किया जा सकता है। वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो यहाँ से एंड आपका काम हो गया, बस इतना सिंपल था ये। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट। इफ यू गाइज एंजॉयड देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो गाइज यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम वाया दिस आईडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।